बंदरगाह पर दो कार्गो बहरी जहाज आपस में टकरा गए। कराची पोर्ट पर चीनी कार्गो जहाज बर्थ से टकरा गया। इसी हवाले से हम बात करेंगे। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं करंट इकोनॉमी। रोशनियों के शहर की बंदरगाह पर दो कार्गो बहरी जहाज आपस में टकरा गए हैं, जिसकी तहकीकात शुरू कर दी गई है। कराची पोर्ट पर चीनी कंपनी का कार्गो जहाज बर्थ और एक और जहाज से टकरा गया। नतीजे में बर्थ और दोनों जहाजों को नुकसान पहुंचा है। रिपोर्ट के मुताबिक कराची पोर्ट पर चीनी जनरल कार्गो जहाज डाजन बर्थ नंबर 25 से टकरा गया और टकराने के बाद बर्थ नंबर 26 पर खड़े हुए जहाज MV दयाला से भी टकरा गया। तर्जुमान KPD के मुताबिक मामले की तहकीकात शुरू कर दी गई है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक जहाज की टक्कर मामूली थी, जिससे बर्थ और जहाजों की रगड़ लगी है। तहम जो भी नुकसान हुआ है वो डजान जहाज के मालकान अदा करेंगे और नुकसान का तखमीना और अदायगी P&I क्लब खुद करेगा। न्यूज रिपोर्ट्स के मुताबिक बहरी जहाजों के टकराने का वाकिया सुबह 11 बजे पेश आया, जिसके नतीजे में बर्थ समेत दोनों बहरी जहाजों को नुकसान पहुंचा है। इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक नुकसान बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। इत्तलात के मुताबिक जहाजों के दरमियान टक्कर बर्थ नंबर 25 पर हो गई। ये वाकिया इस वक्त हुआ जब लंगर डालने की कोशिश की जा रही थी। बहरी जहाज डालिया कीनिया से पाकिस्तान आया था। तर्जुमान KPD के मुताबिक तहकीकात का आगाज कर दिया गया है। जराए ने KPD हुकाम के हवाले से बताया कि नुकसान का तखमीना लगाने के बाद उसे PNI क्लब के जरिए पूरा किया जाएगा। इसी तरह के दो हादसा पहले भी कराची पोर्ट पर हो चुके हैं, जबकि मलेशिया में भी इस तरह का एक हादसा वकूअ पज़ीर हुआ था। अगर आप जानना चाहते हैं कि अब पाकिस्तान में गैर मुल्की सरमायाकारी कितने फीसद तक बढ़ चुकी है, तो ये जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। और अगर आप जानना चाहते हैं कि अब FDR की जानिब से कौन सा नया अहम कदम उठाया गया है, तो ये जानने के लिए यहाँ पर क्लिक करें। देखते रहिए रेड बॉक्स TV। अल्लाह हाफ़िज़।